तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्लास हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट और आरबीसी काउंट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू पे होने वाला है। इसका जो थ्योरी क्लास है हमने ट्रीटमेंट एप्लीकेशन पे करा दिया है, तो अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। यूट्यूब पे थोड़ी थोड़ी क्लासेस आती रहेंगी। आज के पहले प्रश्न की बात करें तो डायलूशन फैक्टर ऑफ ब्लड एंड आरबीसी डायलूटिंग फ्लूइड इज डॉट डॉट इन टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट बाय हेमटोसाइटोमेट्री या फिर हीमोसाइटोमेट्री। इसका मतलब ये है कि अगर आप न्यू बार चेंबर की सहायता से, किससे, न्यू बार चेंबर की सहायता से अगर टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट यानी कि आरबीसी काउंट करना चाहते हैं, देन इसमें जो डायलूशन होता है आपका कितना होगा, यानी कि आप जो डायलूटिंग फ्लूड लेंगे आरबीसी वाला वो आपका कितना होगा। तो ऑप्शंस की बात करें 50 है, 100 है, 150 है, 200 है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका 200 जाएगा, यानी कि जो आपका डायलूटिंग फ्लूड होता है 1 × 200 होता है। कितना होता है, 1 × 200 होता है आरबीसी वाले में। तो आपका यहाँ पे जो फील होगा आपका 200 जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगर यहाँ पे बात करें आरबीसी काउंटिंग की, जो डायलूटिंग फ्लूड होता है क्या होता है, तो आपका यहाँ पे हेम्स फ्लूड होता है। क्या होता है, हेम्स फ्लूड होता है और आपका डेसी फ्लूड होता है। क्या होता है आपका, डेसी फ्लूड होता है। आपका गोवर फ्लूड भी होता है, इसको भी यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है। आरबीसी डायलूटिंग फ्लूड हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारा आरबीसी डायलूटिंग फ्लूड होता है इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। प्रिवेंट हिमोलिसिस को, या फिर आपका प्रिवेंट रिलैक्स फॉर्मेशन, प्रिवेंट क्लॉटिंग, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑल ऑप्शन जाएगा, क्योंकि जब तक अगर आपका मान लीजिए आपका जो सैंपल है उसका अगर हिमोलिसिस हो गया, देन आप उसका आरबीसी काउंट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके जो डायलूटिंग फैक्टर डायलूटिंग फ्लूड होता है आपके प्रिवेंट करता है आपके हिमोलिसिस को, प्रिवेंट करता है आपके रिलैक्स फॉर्मेशन को, और आपके क्लॉटिंग को भी प्रिवेंट करता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर जाएगा डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का है। फॉर्मल साइट्रेट सोल्यूशन इज यूज फॉर काउंटिंग ऑफ, यानी कि जो आपका फॉर्मल साइट्रेट होता है इस प्रकार के सोल्यूशन का उपयोग आप किसके काउंटिंग में करते हैं, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, या फिर आपका इसनोफिल। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका आरबीसी काउंट इज द राइट आंसर। जो आपका डेसी फ्लूड होता है डेसी फ्लूड के अंतर्गत ही, इसके अंतर डेसी फ्लूड के अंतर्गत ही आपका ये फॉर्मल साइट्रेट आता है। ठीक है, तो उसके नीचे जो पॉइंट आपके होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक सोल्यूशन कहते हैं। और आप में इसमें क्या पड़ा होता है आपका, फॉर्मल साइट्रेट पड़ा होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, यानी कि फॉर्मल साइट्रेट का जो उपयोग है हम आरबीसी काउंट के लिए करते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा फोर नंबर का है। दियर इज डॉट डॉट मार्किंग ऑफ आरबीसी पीपेट, यानी कि इसमें जो आपका आरबीसी पीपेट है उसका मार्किंग क्या होता है। तो ध्यान रखिए जो आरबीसी पीपेट होता है इसका जो मार्किंग होता है 0.5, फिर 1, उसके बाद में आपका 101। और अगर बात करेंगे दूसरे पहचान की तो इसका जो बीड होता है आपका क्या होता है, रेड बीडेड होता है। ठीक है, तो दो पॉइंट आपका बना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, देखिए इसमें आपका ये पूरा नहीं लिखा हुआ 0.5, 1, 101, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे 0.5 वगैरह लगा है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अगर हम सही से देखें तो एक प्रश्न हमारा अधूरा है, बट अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो 0.5 आप यहाँ पे सही आंसर के रूप में लगाओगे। ठीक है, तो आरबीसी पीपेट का जो मार्किंग होता है 0.51 और उसके बाद में 101 होता है, और जो बीड होता है उसका रेड बीडेड का होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है। विच फिंगर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रिकिंग, यानी कि कौन सा आपका जो मोस्ट कॉमनली फिंगर है जिसको आप प्रिकिंग के रूप में यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है लेफ्ट रिंग फिंगर, राइट लिटिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर, या फिर आपका राइट मिडिल फिंगर। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, लेफ्ट रिंग फिंगर। तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे पूरे ऑप्शन में कहीं पे राइट आपका रिंग फिंगर नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि आप राइट वाले से रिंग राइट रिंग फिंगर से भी कलेक्शन कर सकते हैं और लेफ्ट रिंग फिंगर से भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में अगर राइट है तो राइट को क्लिक करिएगा, अगर लेफ्ट है तो आप लेफ्ट पे क्लिक करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ए इधर राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर। व्हिच काउंटिंग चेंबर कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि किस प्रकार के काउंटिंग चेंबर का आप उपयोग करोगे जब आप ब्लड सेल की काउंटिंग कर रहे हो। तो ऑप्शन क्या है, न्यू बार चेंबर है, वर्कर चेंबर है, इंप्रूव न्यू बार चेंबर है, और आपका ऑल ऑप्शन। तो देखो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी, यानी कि आप अगर आप कोई भी ब्लड काउंटिंग कर रहे हो उसमें न्यू बार चेंबर तो उपयोग करोगे। पहले न्यू बार चेंबर उपयोग होता था, उसके बाद आपका इंप्रूव न्यू बार चेंबर आ गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करेंगे वर्कर की तो आपका ठीक है वर्कर चेंबर भी आपका यहाँ पे यूज होता है आपके ब्लड काउंटिंग में। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, डी द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला यहाँ पे 7 नंबर का है। सेल लाइक स्पर्म, बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल आर काउंटिंग इन व्हिच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर आप काउंटिंग कर रहे हो किसका, सेल जैसे कि आपके सेल हैं स्पर्म,
उसके बाद में बैक्टीरिया, ब्लड सेल, अगर इसका आप काउंटिंग कर रहे हो तो इनमें से किस प्रकार के उपकरण का आप उपयोग करोगे, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करोगे, न्यू बार काउंटिंग चैम्बर, कलरीमीटर, फ्लेम फोटोमेट्री या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे एक बात करते हैं ब्लड सेल की, ठीक है। तो ब्लड सेल की अगर काउंटिंग कर रहे हो, स्पर्म की काउंटिंग कर रहे हो, देन इसका जो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनेगा ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर जाएगा, न्यू बार चैम्बर में आप यहाँ पे काउंटिंग कर लोगे, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, ड्यूरिंग काउंटिंग इफ द फ्लूड ओवरफ्लो इनटू द गटर ऑफ काउंटिंग चैम्बर देन इट इज कॉल्ड। यह कह रहा है प्रश्न की अगर आप काउंटिंग के दौरान जो आप फ्लूड डाल रहे हो, चाहे आपका WBC फ्लूड है, चाहे आपका प्लेटलेट वाला फ्लूड है, चाहे आपका ब्लड वाला फ्लूड है, रेड ब्लड सेल का फ्लूड है, हेम्स है, ट्रक है, ठीक है, अमोनियम वाला कुछ भी है, अगर वो ओवरफ्लो हो जा रहा है तो इसको क्या कहोगे, यानी कि जो गटर है आपका, जो न्यू बार चैम्बर है इसका जो गटर है इसमें ओवरफ्लो हो जा रहा है तो इसको क्या कहोगे, लेस चार्जिंग, बैलेंस चार्जिंग, अंडर चार्जिंग या फिर आपका ओवर चार्जिंग। तो इसको क्या कहोगे, इसको आप कहोगे ओवर चार्जिंग, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर जाएगा। लेस चार्जिंग, जब आप लेस चार्ज किए रहोगे तो आपका लेस चार्जिंग कहलाएगा, बैलेंस है तो बैलेंस अगर है तो आपका बैलेंस चार्जिंग कहलाएगा, और अगर आप अंडर में है तो आपका अंडर चार्जिंग कहलाएगा। अच्छा, किस एक्शन के द्वारा चार्ज होता है, तो आपका कैपिलरी एक्शन के द्वारा यहाँ पे चार्ज होता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन के द्वारा आपका जो न्यू बार चैम्बर है वो आपका यहाँ पे चार्ज होता है, इसको भी आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है बच्चे। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर है, द स्टेन यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट रिंग साइडोब्लास्ट इन द मैरो स्पायरेटिस, यानी कि जब आप बोन मैरो का स्पायरेशन कर रहे हो, बोन मैरो की स्पायरेशन में जब आप साइडोब्लास्ट को देखना चाह रहे हो, देन इनमें से कौन सा स्टेन करोगे, जिम्सा स्टेन, सुडान ब्लैक या फिर आपका पर्ल स्टेन या फिर आपका राइट स्टेन। तो देखो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका पर्ल स्टेन इज द राइट आंसर जाएगा। पर्ल स्टेन को हम क्या करते हैं, हम साइडोब्लास्ट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर जाएगा। आयरन को भी आप वहां पे डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हो, तब भी अगर आयरन ऑप्शन होता तो आयरन भी सही जाता। जिम्सा की बात करेंगे, राइट स्टेन की बात करेंगे, तो दोनों प्रकार का जो स्टेन है ये आपका कैसा स्टेन है, तो आपका रोमानोस्की स्टेन है। क्या आपका रोमानोस्की स्टेन है, रोमानोस्की के स्टेन के अंतर्गत आपका राइट स्टेन, जिम्सा स्टेन, जेनर जिम्सा स्टेन, जेनर स्टेन और लिस्मन स्टेन, ये सब प्रकार के स्टेन आपके आते हैं। और इसके अगर हम बात करें तो ये आपका किस प्रकार का स्टेन होता है, तो आपका ये न्यूट्रल स्टेन होता है। क्या बच्चे, ये आपका न्यूट्रल स्टेन होता है। सुडान ब्लैक की बात करेंगे, तो सुडान ब्लैक हम यहाँ पे फैट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हैं, किसको, फैट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हैं। और कभी कभी आप हेमेटोलॉजी में, किसमें, आप हेमेटोलॉजी में किसको, मायोब्लास्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हैं, किसको, मायोब्लास्ट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हैं। ध्यान रहे कैसे डेमोस्ट्रेट होता है, तो जो आपका लिम्फोब्लास्ट होता है आपका दिखाई नहीं देता है, आपका लिम्फोब्लास्ट स्टेन नहीं होता है और आपका मायोब्लास्ट स्टेन हो जाता है। तो इसीलिए सुडान ब्लैक का स्टेन, जो आपका स्टेन है, इसका उपयोग हम हेमेटोलॉजी में मायोब्लास्ट को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखिए बच्चे, ऐसे ही हम लोग जो हमारी लाइव क्लास होती है प्राइवेट मोड में, इससे भी बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझते हुए, समझाते हुए चलते हैं और उनकी क्लासेस को एंड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, थ्योरी का प्रिपरेशन करें, क्योंकि देखिए जो MCQ है, MCQ को केवल आप प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं, ना कि अपने बेहतरीन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो MCQ को अगर आपको प्रैक्टिस के रूप में लेना है, थ्योरी को अपने समझने के लिए अच्छे तरीके से मतलब कि तैयार करके फिर MCQ सॉल्व करना है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइनिंग करने के लिए हमारा 6307781812 पे आपको मैसेज करना होगा। बैच का प्राइस इस समय हमारा है जो है 421, 20 तक हमारा 349 था, लेकिन इसकी प्राइस आपकी 50 रुपये बढ़ गई है और 50 रुपये आप भी चल रहा है, यानी कि एक्चुअल प्राइस हमारा था 449 रुपये, बट अभी ये बैच आपको 400 में मिल जाएगा 30 तारीख तक, ठीक है। RBC काउंट ऑफ कैपिलरी ब्लड डॉट डॉट देन वीनस ब्लड, यानी कि अगर हम RBC काउंटिंग करेंगे कैपिलरी ब्लड की, तो तुलना करें अगर वीनस ब्लड की तो क्या होगा, तो आपका ये लेस आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट इन ऑब्जर्व वीन, यानी कि जब आपका रेटी काउंट जो है आपका हाई हो जाता है, देन किस किस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फॉलोइंग, B12 थेरेपी, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या फिर आपका आइप्लास्टिक एनीमिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। एप्लास्टिक एनीमिया जब आपका बोन मैरो किसी भी वजह से काम नहीं कर रहा है, चाहे इसमें जो बनने वाले कारक हैं, ठीक है, चाहे विटामिन B12 है, उसके बाद में आपका जो फोलिक एसिड है, ये सब नहीं है, आपके बोन मैरो में तबिया नहीं बन पा रहा है, या फिर बोन मैरो में किसी और वजह से आपका ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है, इन विच पैथोलॉजिकल कंडीशन PCB इज हाई, यानी कि आपका जो PCB है, PCB किन पैथोलॉजिकल कंडीशन में हाई होता है, एनीमिया के केस में, बर्न के केस में, हाइड्रेमिया के केस में, कार्डियक डीकंपनसेशन के रूप में,
तो देखिए बच्चे इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका बर्न के केस में। देखिए जब बर्न का केस आएगा तो आपका जो प्लाज्मा होगा ये आपका जल के खत्म हो जाएगा, देन आपका जो पीसीबी काउंट है ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा, आपका जो हिमेटोक्रिट है आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाइड्रेमिया क्या होता है, हाइड्रेमिया जस्ट उल्टा कह सकते हो कि जब आपका ब्लड है ब्लड में जब एक्सेस वाटर हो जाए, क्या हो जाए आपका एक्सेस वाटर हो जाए, देन इसको क्या कहते हैं हम हाइड्रेमिया कहते हैं। यानी कि आपका जो ब्लड है ब्लड में जो आरबीसी की काउंटिंग है उस सेल की काउंटिंग कम हो जाए और जो वाटर की मात्रा है आपके ब्लड में ज्यादा हो जाए तो इसको क्या कहते हैं हाइड्रेमिया कहते हैं। ठीक है तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका भी द राइट आंसर जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यानी कि एसजी है इसका, सॉरी आपका जो रेड ब्लड सेल है इसका रेड ब्लड सेल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, 1.030, 1.039, 1.093, 1.003। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका सी द राइट आंसर जाएगा, 1.093 द राइट आंसर जाएगा। एवरेज जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वही होता है। ठीक है अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर, हेंस बॉडी इन रेड सेल आर डेमोन्स्ट्रेटेड इन, यानी कि जो आपके हेंस बॉडी होते हैं अगर आपके रेड सेल में डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं देन आपके किस केस में होंगे। तो हमने बहुत पहले ही बता दिया है जो पीके सिक्स डिफिशियंसी होती है पीके सिक्स डिफिशियंसी के केस में आपके हेंस बॉडी देखने को मिलते हैं, और अगर आप पीके सिक्स डिफिशियंसी का टेस्ट करना चाह रहे हैं देन आप यहाँ पे जो एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे आप हिपेरिन वाला यूज करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा आपका सी इधर राइट आंसर जाएगा। ठीक है बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड इन वेस्टर्न ग्रेन मेथड, यानी कि किस प्रकार के एंटीकोगुलेंट का उपयोग आप वेस्टर्न ग्रेन मेथड में करेंगे, EDTA, हिपेरिन डबल ऑक्सलेट या फिर आपका 3.8 सोडियम साइट्रेट। तो देखिए डबल ऑक्सलेट इस समय ज्यादा यूज नहीं होता है, इसको ऑप्शन से कट करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा। वेस्टर्न ग्रेन में हम क्या करते हैं सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं, और जब हम क्या करते हैं बेंट्रोप करते हैं, जब हम बेंट्रोप करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं EDTA यूज करते हैं। तो ध्यान रहे ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, रेशियो क्या होता है तो 1:4 का आपका यहाँ पे होता है वेस्टर्न ग्रेन में जो हम यहाँ पे कॉगुलेंट को यूज कर रहे हैं। ठीक है चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 16 नंबर का, रेजेंट यूज फॉर टोटल WBC काउंट इज, यानी कि कौन सा रेजेंट यूज करोगे WBC काउंटिंग के अंतर्गत, तो हिंगलमैन सोल्यूशन, गोबर सोल्यूशन, हेम्स फ्लूड या फिर आपका ट्रक फ्लूड। तो देखो हेम्स फ्लूड, गोबर फ्लूड ये आपके किसके लिए हो गए आपके RBC के लिए हो गए, और आपका जो ट्रक फ्लूड है आपके WBC के लिए हो गया। तो राइट आंसर आपका सी डी इज द राइट आंसर बनेगा, और आपका जो हिंगलमैन सोल्यूशन है इस किसके लिए तो आपके एब्सोल्यूट इसनोफिल के लिए यहाँ पे किया जाता है, किसके लिए एब्सोल्यूट इसनोफिल के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो एब्सोल्यूट इसनोफिल काउंट के लिए हम क्या करते हैं हिंगलमैन सोल्यूशन का उपयोग करते हैं। ठीक है चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का, व्हिच डाई इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रक फ्लूड, यानी कि किस प्रकार के डाई का उपयोग हम ट्रक फ्लूड के प्रिपरेशन में करते हैं, कार्बल फ्यूजन, सेफ्रानिन, मेलाकाइट ग्रीन या फिर आपका जेंसन वॉलेट। तो राइट आंसर आपका डी इधर राइट आंसर जाएगा, जेंसन वॉलेट को हम क्या करते हैं अपने ट्रक फ्लूड में यूज करते हैं जो कि आपके WBC के न्यूक्लियाई को क्लियर करता है, WBC के न्यूक्लियाई को कलर करता है, और एक पॉइंट और होता है 1% ग्लेशियल एस्टिक एसिड, ग्लेशियल एस्टिक एसिड ठीक है, एस्टिक एसिड जो आपका 1% ग्लेशियल एस्टिक एसिड होता है ये आपके RBC को लाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है तो ट्रक फ्लूड में आपके दोनों चीज यानी कि जेंसन वॉलेट और आपका 1% ग्लेशियल एस्टिक एसिड पाया जाएगा जो कि आपके RBC को यहाँ पे क्या करेगा लाइज करेगा। ठीक है तो ध्यान रखना इसका जो आंसर जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा। 18 पे आ जाइए, 18 का नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जेंसन वॉलेट इज व्हिच टाइप ऑफ डाई, यानी कि जो आपका जेंसन वॉलेट है जो कि आपके ट्रक फ्लूड में पाया जा रहा है किस प्रकार का डाई है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है, बोथ ए एंड बी है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सी इज द राइट आंसर जाएगा आपका, ये बेसिक होता है बच्चे। ठीक है अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 19 नंबर का है, 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम ट्रक फ्लूड व्हिच कलर फ्रूट कैन बी यूज्ड फॉर WBC काउंट, यानी कि जब आपके पास ट्रक फ्लूड नहीं है इन केस में आप किस प्रकार के फ्रूट का यहाँ पे उपयोग करोगे ताकि आपका जो WBC काउंटिंग है ये आपका अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से डन हो जाए। तो ऑप्शंस क्या है आपका, टॉयजन फ्लूड है, हेम्स फ्लूड है, फॉर्मल साइट्रेट है, रिंगर सोल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे अगर फॉर्मल साइट्रेट और हेम्स की बात करेंगे तो आपका RBC के लिए हो गया, और ट्वाइजन जो फ्लूड है ये आपके WBC काउंटिंग में मदद करेगा। ध्यान रहे एक बात कि जो आपके ट्वाइजन फ्लूड होता है ये आपके WBC की काउंटिंग के लिए भी और आपके RBC काउंटिंग के लिए दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है चलो फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का, बाय WBC पिपेट द डायलूशन ऑफ ब्लड ऑब्टेन इज, यानी कि जब आप लोग WBC पिपेट का उपयोग कर रहे हो देन इसका जो डायलूशन है ये कितना होगा।
तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा डब्ल्यू बी सी पीपेट होता है उसको हम थोमा पीपेट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? थोमा पीपेट के नाम से जानते हैं। देन इसकी जो मार्किंग होती है, मार्किंग कितनी होती है? 0.51 और उसके बाद में आपका 11 इसकी मार्किंग होती है। क्या होता है डब्ल्यू बी सी पीपेट में? तो आपका व्हाइट बीड होता है। क्या होता है? आपका व्हाइट बीड होता है। और उसके बाद में अगर पे बात करेंगे इसकी डायलूशन की, कि जो आप डायलूशन यूज करते हुआ क्या होता है, तो आपका 1:20 क्या होता है, यानी कि 1:20 का आपका यहाँ पे क्या होता है बच्चे, डायलूशन होता है। और अगर आरबीसी के डायलूशन की बात करेंगे तो पहले ही हमने बता दिया है 1:200 का होता है, 1:200 का। तो आरबीसी में 1:200 का और डब्ल्यूबीसी में 1:20 टाइम का यहाँ पे आपका डायलूशन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 21 नंबर का है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट स्नोफॉल काउंट विद द हेल्प ऑफ टीएलसी एंड डीएलसी, यानी कि अगर आप एब्सोल्यूट स्नोफॉल काउंट को काउंट करना चाहते हो डीएलसी और टीएलसी के माध्यम से, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाओगे? तो फार्मूला जो आपका बनेगा, डी इज द राइट आंसर, टीएलसी गुणे न्यूट्रोफिल्स का परसेंट बटे आपका 100। आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट स्नोफॉल काउंट आ जाएगा। तो टोटल जो हमारे प्रश्न थे यहाँ पे 21 थे, और 21 प्रश्न के साथ इसका मैंने आंसर भी लगा दिया है। तो ये जो हमारा पीडीएफ होता है ये आपको टीचमेंट एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों पे मिल जाता है क्लास के एंड होने के बाद। तो अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 6077881182, इस पे आप मैसेज करके सारी डिटेल भी ले सकते हैं और बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस कितनी है? तो आपकी 400 रुपये प्राइस है। प्रिपरेशन कब तक होगा? तो जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो गया। मेनली जो आपका सिलेबस है, हम 3 मंथ में अपने थ्योरी क्लास के सिलेबस को कवर कर देंगे बच्चे। तो ये मेरा वादा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो बेहतरीन तरीके से तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकती हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।